पुणि राज्य बीजेपी कार्यालय रे ताला ताला पकाइले अमिय दासंक समर्थक मुख्य फाटक सामने धारणा रे बसिले समर्थक आलिया साई कृष्णचंद्र पंडांक समर्थक माने मध्य विरोध करिछन्ते। तबे जहां सूचना आसी पहुंचुची पुणि थरे राज्य बीजेपी कार्यालय रे ताला पकाइछन्ते असंतुष्ट माने ताला पकाइछन्ते अमिय दासंक समर्थक। तबे तांकू टिकट न मिलिबारु तांका असंतुष्ट कर्मचारी माने सहकर्मी माने मुख्य फाटक सामने धारणा रे बसिथिले एवं बीजेपी कार्यालय रे ताला पकाइछन्ते। आलिया साई कृष्णचंद्र पंडांक समर्थक मध्य विरोध करिछन्ते। अधिक सूचना जानवा सीधा सड़क जा बीजेपी कार्यालय परिसर को सेठार उपस्थित अच्छा प्रतिनिधि सुमंत सुंदर राय। सुमंत जो भाव में विरोध करुछंते जारी रखिछंते असंतुष्ट माने जो आशायी प्रार्थी मान टिकेट मिली ना वर्तमान भी सेठार से परिस्थिति लग रही कि कौन से दावी रही कौन से विरोध कर भुवनेश्वर आली राजनगर जी उदयगिरी ए परिप्रेक्षी योग्य प्रार्थी को टिकेट मिलनी बोली से सपोर्टर मैंने आसुच्च योग्य कैंडिडेट कि टिकेट पाए से नहीं चली प्रतिवाद। प्रथम बीजेपी कार्यालय भिजुआल देखू गोटे पटे नाराबाजी स्लोगान किभली योग्य व्यक्ति टिकेट पाए आशाई टिकेट पाए से नाराबाजी चलती अपर पक्ष आज कुछ समर्थक मैंने आसुथे परिवेश पूरा जोरदार होती प्रतिवाद चली नाराबाजी स्लोगान चली विशेषकर प्रतिक्रिया ना एने आलु आसुच्च कृष्ण पटना समर्थक मैंने अच्छा आप आलु आस प्रतिक्रिया रही आज्ञा आम आलु आसू भारतीय जनता पार्टी तरफ जो भाई आली निर्वाचन मंडली टिकेट बंटन में जो भाई त्रुटि देखाई ताकू विरोध करने को आम आसू आली माटी रे जदि विजु जनता दल को कई टक्कर दे पार सी हूँ आम माननीय श्रीयुक्त कृष्णचंद्र पंडा महोदय गोविंद नायक टिकेट मिली असुविधा कौन रही असुविधा यहाँ रही कि 78 वर्ष से लालकृष्ण आडवाणी जी को टिकेट मिलनी तेणुक कौ हिसाब से आपड़ दोलगोविंद नायक को आलू देखते ये भी समय अच्छे आम दल पाखे नवेदन करुचु आम भारतीय जनता पार्टी को भल पाए भल पाचु नवेदन करुचु ये आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट नि उपयुक्त प्रार्थी की बाछन उपयुक्त प्रार्थी हूँ जड़े सी हूँ कृष्णचंद्र पंडा महोदय टिकेट दि जाऊ आम दल पार्टी अफिस पूर्ण विश्वास टिकेट न मिलने कौन हम आगामी कार्यक्रम टिकेट आम पूर्ण विश्वास अच्छी दल निश्चित भाव में यह विचार को नब जे टिकेट परिवर्तन होगापी कारण क्यों आधार में टिकेट दि जाए कौन पाई भी दि जाए निजे आम कौन कारी समर्थन ना बीजेपी कर्मी हिसाब से आसू बीजेपी कर्मी गोलक महापात्र मुखपात्र कहले ये हूँ दलय श्रृंखलित कर्मी जो मैंने किंतु ठिकना लोक टिकेट मिली दल गणतंत्र अच्छी प्रतिवाद सेमती हम शुणु प्रतिवाद सेमती हम कि क्यों आधार से टिकेट बांटी से आम भी जानवाक चाहूँ आमर भी से अधिकार रोच दल अच्छी तेणु प्रथम कथ हम जनईदेक चाहूँ टिकेट घोषणा सर न मिले कौन हम ना न मिले क्या पड़े मेन हूँ जो कैंडिडेट को देखते से कैंडिडेट लोक आई लोक ग्रहण करना सोशल मीडिया टिकेट मिले जानपर आम भी किसी जान कौ आधार मिली कि लोक आद ग्रहण करना जोटा कि मैंने से स्वच्छ आम लड़ाक चाहूँ टिकेट दि जाऊँ आम आड़े गोटे पूर्ण विश्वास दौ आठ बिना स्वार्थ में भुवनेश्वर पर्यटन आसीचु आपको प्रतिश्रुति दौ जदि कृष्ण पंडा टिकेट पाते आम निश्चित पद्म फुटब आड़ी में तीड़े मात्र सन्देह ना भाव में एपटे आली समर्थक पूरा जोरदार प्रतिवाद कर नाराबाजी चली स्लोगान चली आपटे राज्य कार्यालय सम्मुखें बस गोटेपटे अमिय दास समर्थक जी उदयगुरु अर्चना प्रधान को विरोध करी जी उदयगुरु नेत्री आसा चली हाला नाराबा चली मैडम कौन कह आमे आंदोलन या परे तीव्रतर हम जदि आम कौन समाधान रास्ता बाहर न कर आंदोलन आज काली अपेक्षा आज आप देख पारे कौ संख्यार लोक अच्छा आंदोलन नाराबाजी चलती दल कार्यालय समाधान हो समस्या हाँ एमती चली चलो अमिय दास जड़े भल कर्मी आम बहुत कम करम एरिया रे बीजेपी बहुत कम कर संगठन को तीव्र तीव्रतर करेणु जेपर्यंत कथा फाइनाल नई से पर्यटन आम आंदोलन जारी रही भाव में जिते टिकेट न मिल से एभली प्रतिवाद जारी रही हूँ दलय कर्मी पूरा चेतावनी दलय कार्यालय आगे राज्य कार्यालय आगे एवं विशेषकर जो टिकेट न मिलूँ आप बाबू सिंह टिकेट मिलला पर यह दु दिन काल चली नाराबाजी स्लोगान चली भाई पुनरावृत्ति हो टिकेट पुणी चेंज कर शुणु पुनर्बार विचार तो करतीहास अच्छी एवं एवं हम हूँ हम तेना आम चाहूँ
ଅମୀୟ ଭାଇ ଜଣେ ଲଢୁଆ ନେତା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଲଢିଲେଣି, ଗରିବ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ହେବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅମୀୟ ଭାଇ ଲଢୁଛି ଏବଂ ଲଢିବ। ଏକାମ୍ରରେ ଯଦି ଏମଏଲଏ କିଏ ତାହେଲେ ଅମୀୟ ଭାଇ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା। ସେମାନେ ଏଠୁ ଯଦି ଅମୀୟ ଦାସ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳି ହେଉଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜି ଉଦୟଗିରି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଳି ରାଜନଗର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, କଟିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଚାପା, ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହୁଏ, ଅଘଟଣ ନ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ନାରାବାଜି ପ୍ରତିବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅମୀୟ ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶା ରହିଛି, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି? ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଭେଟେରାନ୍ ମାନେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଦଳୀୟ ନେତା ବୁଝୁଥିଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ମୁଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅବୁଝା ହେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ? ଅବୁଝା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମର 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆମର ପୁରୁଣା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଥିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇଏ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଠି ପଇସା କାରବାର ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ପଇସା କିଣା ହେଉଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପଇସା ଦେଇ କିଣା ହେଇଛି ଟିକେଟ୍, ବାବୁ ସିଂ କିଣିଛି, ପଇସା ଦେଇକି ବାବୁ ସିଂ କିଣିଛି, 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ପଇସା ଟିକେଟ୍ କିଣିଛି। ବାବୁ ସିଂ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା? ବାବୁ ସିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଯିଏ ପବାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପବାରୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଯିଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଧିକ ସୂଚନା।